भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला त्रिनिदाद पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 288 रन है। पहले टेस्ट मैच में मिली एक तरफा जीत के बाद टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भी दमदार शुरुआत की है। हालांकि इस मैच में शार्दुल ठाकुर को खेलने का मौका नहीं मिला। ठाकुर की जगह तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टेस्ट कैप थमाई गई। मुकेश का ये पहला इंटरनेशनल मुकाबला है। शार्दुल को खराब फॉर्म के चलते नहीं बल्कि किसी और कारण के चलते त्रिनिदाद टेस्ट की प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। इसकी जानकारी खुद बीसीसीआई ने ट्वीट कर बताई। टॉस के बाद बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा, शार्दुल ठाकुर लेफ्ट ग्रोइंग में हो रहे दर्द के कारण दूसरे टेस्ट मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ठाकुर के प्रदर्शन की बात करें तो पहली पारी में उन्होंने 7 ओवर की गेंदबाजी में 1 विकेट चटकाया था। हालांकि दूसरी पारी में उनको गेंदबाजी का मौका ही नहीं मिला। शार्दुल भले ही कमर के दर्द से परेशान हों, लेकिन आगामी वनडे सीरीज से पहले उनकी फिटनेस ने भारतीय टीम की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दरअसल भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होने वाला है। पहले वनडे में अभी समय है और शार्दुल के पास रिकवरी का बढ़िया मौका भी है। बता दें कि शार्दुल टीम इंडिया के अहम सदस्यों में से एक हैं। ऐसे में उनकी फिटनेस टीम के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। मौजूदा समय में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी खराब फिटनेस और इंजरी के चलते बाहर हैं। आने वाले समय में भारत को एक के बाद एक दो बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं। अगस्त सितंबर में एशिया कप खेला जाएगा, जबकि अक्टूबर नवंबर में भारतीय सरजमी पर वनडे वर्ल्ड कप होगा। दोनों ही इवेंट में शार्दुल के 15 सदस्यीय स्क्वाड में होने के पूरे चांस हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट और फैंस यही दुआ करेंगे कि वह जल्द से जल्द फिट हो और टीम के लिए गेंद व बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर मैच जिताएं। आपको बता दें कि एशिया कप में भारत अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेलेगा, जबकि विश्व कप में रोहित एंड कंपनी अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से करेगी। 31 वर्षीय शार्दुल ठाकुर ने अब तक 35 वनडे मैचों में 50 विकेट चटकाए हैं। जरूरत पड़ने पर वह बल्ले से भी आतिशी पारियां खेल सकते हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम पर 298 रन दर्ज हैं, जिसमें 150 भी शामिल है।